ओके नाउ कीप इन माइंड कि कैपिटल आर इज वेरिएबल. करंट का एक्सप्रेशन तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या निकालना चाहो तो निकाल लो, है ना. पिछले वीडियोस में हमने निकाला था तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, मगर R अब वेरिएबल है, R चेंज हो रहा है, R चेंज हो रहा है. इसमें दो तरह की पावर लॉस होगी, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर लॉस, वो कितना हो जाएगा I स्क्वायर. करंट तो सब सेम है, करंट चाहे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो या इंटरनल रेजिस्टेंस हो, करंट की वैल्यू तो सेम ही है. तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर लॉस कितनी हो जाएगी, I स्क्वायर इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. दूसरा हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस में पावर लॉस, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो होगी होगी, वो I स्क्वायर इंटू स्मॉल आर हो जाएगी. फिलहाल हम जिस पावर लॉस की बात कर रहे हैं वो ऊपर वाले पावर लॉस की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल पावर लॉस, ध्यान रखना, ठीक है, एक्सटर्नल पावर लॉस की बात कर रहे हैं. तो अगर एक्सटर्नल पावर लॉस की बात करें और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं करंट की, तो वो कितनी हो जाएगी, ई अपॉन आर प्लस आर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर. सो दिस विल बी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर लॉस कितना हो जाएगा, E स्क्वायर कैपिटल R डिवाइडेड बाय R प्लस R. कीप इन माइंड कैपिटल R इज वेरिएबल नॉट कॉन्स्टेंट. यहां पे कैपिटल R की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, कैपिटल R की वैल्यू वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है. वेरिएबल है तो इससे क्या मतलब निकलेगा, कुछ मतलब निकालते हैं. अगर कैपिटल आर की वैल्यू मान लो वेरिएबल है तो जीरो भी हो सकती है, तो एक्सटर्नल पावर लॉस क्या हो जाएगी, दैट विल बी, यहां पे जीरो रखोगे, ठीक है, इधर जीरो आ जाएगा, तो ऊपर वाले टर्म में ये एक्सप्रेशन जीरो देगा. याद रखो शॉर्ट सर्किट में कैपिटल आर था ही नहीं, उसमें जीरो करना नहीं था, ध्यान रखना. यहां पर मैंने जीरो किया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, तो वो मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है, उसमें शॉर्ट आर था ही नहीं और आर वेरिएबल नहीं था. तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहां पे हम जीरो रखते हैं, यहां पे रेजिस्टेंस जीरो रखते हैं और यहां भी जीरो करते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर वाला टर्म ही जीरो हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो अपॉन समथिंग विल बी जीरो. दैट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है. अगर हम एक्सटर्नल कुछ भी नहीं लेते हैं तो ऑब्वियसली पावर लॉस जो है वो मैक्सिमम, शॉर्ट सर्किट में एकदम से बहुत ज्यादा पावर लॉस होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट की करंट होती है, तो उसकी वजह से, तो दैट इज लाइक दिस, ठीक है. मगर वो पावर लॉस बहुत ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं रहता है, तो इसको शॉर्ट सर्किट से कंपेयर मत करना. नेक्स्ट है, क्योंकि यहां पर सस्टेनेबिलिटी की भी बात है, कितनी देर तक वो सस्टेन है. शॉर्ट सर्किट में तो फटाक से पावर लॉस ही खत्म. दूसरी बात है कि यहां पर अगर R की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड कराओगे, ठीक है, R की वैल्यू अगर इंफिनिटी की तरफ टेंड कराओगे तो समथिंग इंफिनिटी हो जाएगा, ऊपर इंफिनिटी हो जाएगा, नीचे भी इंफिनिटी हो जाएगा. तो ये तो थोड़ा एनालिसिस मुश्किल होगा, मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ. पी ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर, R को नीचे ले जाता हूं, यानी ऊपर नीचे डिवाइडेड बाय R कर लेता है ना, यहां भी R से डिवाइड कर दिया और इस पूरे एक्सप्रेशन को भी R से डिवाइड कर दिया, ठीक है. नाउ इट विल बी, यहां पे तो R पहले से था ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को R से डिवाइड कर दिया. तो जब इस पूरे एक्सप्रेशन को R से डिवाइड करोगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा और यहां पे क्या आएगा, आर आर अपॉन आर वन आ जाएगा,
तो ये जो एक्सप्रेशन होगा फाइनली इट विल बी पी इज इक्वल टू ई स्क्वायर, जगह नहीं बची है, तो 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। और वैसे भी कैपिटल आर की वैल्यू यहां पे जीरो रखोगे तो ये समथिंग अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा, तो पी तो जीरो ही आएगा, है ना। अगर कैपिटल आर की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो, ठीक है। तो दिस विल बी, अब देखते कितना आता है। तो यहाँ पे आर से डिवाइड किया, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर हो गया, यहाँ पे आर वन हो गया। तो व्हेन आर टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस विल बी जस्ट पुट द वैल्यू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, एक सेकंड, यहां भी तो स्क्वायर है, आई फॉरगेट दिस, वेट अ सेकंड, यहां पे स्क्वायर है, यहां पे टर्म में स्क्वायर भी तो होगा, जस्ट ये, एंड तो यहां पर स्क्वायर है एंड यू हैव डिवाइडेड बाय आर, मैं जगह बना लेता हूं, नॉट आर प्लस आर नहीं, इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, वेट फॉर सेकंड, पी तो जीरो ही आएगा, इसको भी एनालिसिस कर लो, वेट, तो ये आएगा, मैंने आर पी तो जीरो होगा, आर की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, तो आर तो दूसरे वाले में फर्क पड़ेगा, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर नीचे R से डिवाइड किया, ठीक है, तो ऊपर अगर R से डिवाइड करोगे या सीधे R की वैल्यू इंफिनिटी रख दो, नीचे अगर रखेंगे, अगर R की वैल्यू इंफिनिटी, तो यहां पर जो टर्म है ना उसकी पावर 2 है, R स्क्वायर की पावर 2 है और उससे ज्यादा की पावर 2 है, ठीक है, कैपिटल आर की पावर 2 है और यहां पे आर की पावर 1 है, तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म ज्यादा होगा, है ना, ये वाला टर्म उससे ज्यादा होगा। या जो आसान एनालिसिस करता हूं कि अगर स्मॉल आर की वैल्यू तो छोटी होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो अगर इसको निग्लेक्ट कर दो तो नीचे का टर्म कैपिटल आर आएगा, नीचे का टर्म ज्यादा आएगा, ठीक है, नीचे का टर्म ज्यादा आएगा, तो आर की वैल्यू इंफिनिटी पुट करोगे तब भी पीई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा, तब भी पी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, डिवाइड डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, और अगर डिवाइड भी करो तब भी तो वही टर्म आएगा, कुछ खास फायदा नहीं होगा। आर होता तो बात सही थी कि ऊपर अगर आर स्क्वायर से, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, कर ही देता हूँ, चलो कितना टेंशन लेने की जरूरत है, ऊपर नीचे आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ई स्क्वायर हो गया, और इसको डिवाइड करूं मैं आर स्क्वायर से, वन अपॉन आर स्क्वायर किया, नीचे भी डिवाइड करूं वन अपॉन आर स्क्वायर से, तो आर प्लस आर का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, थोड़ा समझने में आसानी होगी, बाकी कोई फायदा नहीं होगा बस। तो ई स्क्वायर, तो यहां पर हो गया आर स्क्वायर, ठीक है, और ये अंदर है, ये हो जाएगा, ये अब टर्म स्क्वायर आ गया ना, ये वन प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आर टेंडिंग टू इंफिनिटी रखोगे तो यहां पे समथिंग अपॉन इंफिनिटी तो जीरो हो जाएगा, तो यहां पे अगर आर, जो मैथ्स वाले हैं वो देख लें वैसे थोड़ा सा, अगर आर की वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी रखोगे तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो वन का स्क्वायर बचेगा, फिर यहां पे आर की वैल्यू फिर टेंडिंग टू इंफिनिटी होगी, तो ये भी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, मतलब पी जीरो आएगा,
ठीक है, तो आर इज इक्वल टू जीरो पर भी पीई की वैल्यू जीरो है और आर टेंडिंग टू इंफिनिटी पर भी पीई की वैल्यू जीरो है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ एनालाइज करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, मैं इसको मिटा देता हूं और उसका ग्राफ बनाता हूं। आई होप यू गॉट इट। नाउ इसमें जो ग्राफ बनेगा, ऑब्वियसली जो इनिशियल वैल्यू है वो भी जीरो है, फाइनल वैल्यू जीरो है, तो ऐसा तभी हो सकता है जो ग्राफ पहले इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे, अदरवाइज तो इनिशियल और फाइनल जीरो होना पॉसिबल नहीं है। और ऑब्वियसली ये इंक्रीज करेगा, आर का टर्म है ना, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हो, या डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन हो, कैसा भी हो, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल तभी जीरो हो सकते हैं या तो पावर कांस्टेंट हो। पावर यहां पे कांस्टेंट तो है नहीं, आर वेरिएबल है और मैंने लिखा क्या है, ये पी इज इक्वल टू जीरो व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो। लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ। इसका जो ग्राफ होता है वो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं क्या, नहीं चलेगा, इसी में कर दूंगा, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ तो आई विल मेक टू एक्सेस, वन एक्सेस एंड ये अनदर एक्सेस है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों वैल्यू जीरो है और यहां पे टेंडिंग टू जीरो, एक तो आर इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू जीरो होगी, यहां पे टेंडिंग टू जीरो होगा, है ना, आर टेंडिंग टू, जो मैथ समझते हो वो जानते होंगे। तो अगर इस तरह का ग्राफ है और कैपिटल आर वेरिएबल है, तो ये ग्राफ किसके किसके बीच में होगा, एक्सटर्नल पावर के बीच में, एक्सटर्नल पावर इंटरनल नहीं, और कैपिटल आर के बीच में ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ होगा, तो ऑब्वियसली अगर इस तरह का ग्राफ है तो कहीं पर पावर लॉस मैक्सिमम होगा, है ना, यहां पर पावर लॉस मैक्सिमम हो, दिख भी रहा है, ठीक है। ये पावर लॉस मैक्सिमम तब होता है जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर होता है, देन पावर लॉस इज मैक्सिमम, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं P, इसको हम ये प्रूफ भी करेंगे, P की वैल्यू मैक्सिमम होती है व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है, जो इसकी हेडिंग है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ट्रांसफर थ्योरम। आई होप यू गॉट दिस।